बेतिया में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस फायरिंग की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 3 लोगों की घायल होने की पुष्टि की है। मामला जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के अहिरोली गांव का है। यहां 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने वार्ड सदस्य के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वार्ड सदस्य समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। गोली 2 बंदे को मार के भाग रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए जैसे पब्लिक दौड़ा है तो हम भी दौड़े थे, तो सामने पड़ गए तो हमें भी 2 गोली लगा हुआ है, एक जांग में एक हाथ में। गोली मार के भागा, उसको हम पहचानते नहीं हैं। ये घटना अहिरौली का। काम तो ऐसे हम लोग सिलाई करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रुस्तम। अरे अब हमें तो पता नहीं जो किस मैटर से आके हमको आनंदपुर हमारे घर पे गोली चलाना शुरू कर दी हमारे भाइयों पे। कितने बजे गोली? ये करीब 8:30-9 के करीब में। हम लोग तो आराम से बैठे थे और हमें अंदर थोड़ा एक मशीन रखे हैं अपना काम करने के लिए, तो सिलाई करते हैं तो कपड़ा काट रहे थे। हमारे दोनों भाई वहीं पे बैठे थे, गांव वाले भी एक बैठे थे, एक छोटा बच्चा था गांव का वो भी बैठा था, और अचानक आया जीना सीढ़ी पे। जैसे गेट खुला था पहले से, ऐसे हम लोग कोई विवाद नहीं था, हम लोग तो निफिक्र थे, हमें गेट बंद करने की जरूरत थी, लेकिन अपने ही घर में थे। और आया बाइक रोका अंधाधुन, गेटे पे बैठे थे दोनों भाई, दोनों चौकी पे बैठे थे। वही क्या नाम है जो आया था उस, वो कोई रिलेशन का अब हम बोल रहा, हमारे मामा का लड़का है वो। अपने मामा का लड़का? जी, रमेश नाम है उसके पिता का, उसका शायद रंजीत नाम है। कितने आदमी को गोली लगा? 4 आदमी को लगा है। किसको? किसको? 2 मेरे भाई को। क्या क्या नाम? एक का राजा बाबू नाम है, एक का विजय नाम है, और गांव वालों को 2 आदमी को लगा है। वो पकड़ा भी गया है? जी जी, पकड़ा गया है। गांव वाले भी थे और पुलिस के मदद से पकड़ा गया है। क्या नाम है? आपका नाम क्या? धर्मवीर पटेल। कहाँ के निवासी? अहिरौली गोलाघाट डुमरी जोगापट्टी थाना में घर। इधर ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायरिंग कर भाग रहे एक अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसे पुलिस थाने में ले जाकर पूछताछ कर रही है। जी बताया जी। आज सुबह 8:30 एक जोगापट्टी थाना क्षेत्र में डुमरी अहिरौली गाँव में एक बाइक सवार व्यक्ति के द्वारा एक घर में घुस के वहाँ पे 4 लोगों को गोली मार दी। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए योगापट्टी थाना की टीम इमीडिएट रस की। वहाँ ग्रामीणों के सहयोग से जो गोली मारने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ लिया गया, और साथ ही साथ इनके पूरे डिटेल के बारे में पता किया गया कि आखिर किस वजह से गोली मारी गई थी। तो यह बात प्रकाश में आई है कि जो अपराधकर्मी हैं और जिनको गोली लगी है, ये दोनों आपस में कजन हैं, और बहुत साल पूर्व पहले जो अपराधकर्मी है उसके उसकी माँ को जो है वो जिसको गोली लगी है उसके द्वारा लेके भाग गया गया था, और अभी भी हम लोग पता कर रहे हैं कि उसकी माँ कहाँ है और किस परिस्थिति में है। और अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पर अपराधकर्मी के द्वारा भी कन्फेस किया गया है कि यही इन्हीं कारणों से ये घटना को अंजाम दिया गया है। इधर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। इधर मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पारिवारिक विवाद में गोलीबारी हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बेतिया सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे समेत आधा दर्जन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च अभियान चला रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से जिशान अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।